आप देख रहे हैं द कॉस्मो शो। ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ था तब पदार्थ के कण और प्रतिपदार्थ के कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले गए थे। यदि यह संभावना वास्तविक है तो हमारे ब्रह्मांड के प्रतिरूप जैसा ही प्रतिब्रह्मांड कहीं तो होना ही चाहिए। यदि पदार्थ के शुद्ध प्रतिबिंब की तरह एंटी मैटर का ब्रह्मांड है तो यह एक बहुत ही विपरीत प्रकृति को दर्शाता है। यह उन नियमों का खंडन करता है जिन्हें हमने स्वीकार और सिद्ध किया है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, इसकी बजाय एंटी ग्रेविटी को जन्म देता है, क्योंकि जहां भी पदार्थ के बजाय एक एंटी मैटर होता है वहां सभी पहलू उल्टे हो जाते हैं। यह बात पक्की है कि रिवर्स फ्रीक्वेंसी के ब्रह्मांड में सब कुछ रिवर्स डायमेंशन में होना चाहिए। इस तरह की रोमांचक अवधारणाएं उन खगोलविदों के दिमाग में कहर ढा रही है जो ब्रह्मांड के मूल रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। एक समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है कि ब्रह्मांडीय अंडे के टूटने के तुरंत बाद पदार्थ और एंटी मैटर अलग अलग ब्रह्मांडों की स्थापना के लिए कैसे अलग हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांतों के आधारित कॉमन सेंस कहता है कि दोनों के मिलते ही विस्फोट होकर वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। पहली नजर में तार्किक लगने वाली इस समस्या का समाधान फ्रेड होयल ने किया। फ्रेड होयल का कहना है कि पदार्थ और एंटी मैटर अलग अलग प्रकृति के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए उनमें गुरुत्वाकर्षण के प्राकृतिक गुण भी पनपे। दोनों के बीच आकर्षण नहीं अपाकर्षण पैदा हुआ, इसीलिए एक घातक द्वंद से लड़ने के बजाय वे दूर चले गए। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पीछे हटने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में अपने अलग अलग बिस्तर बनाए। एक ओर तारे, ग्रह, चंद्रमा, मनुष्य भी बने और दूसरी ओर एंटी तारे, एंटी ग्रह, एंटी चंद्र और शक्य है कि एंटी मनुष्य भी बना। भले ही ब्रह्मांड और प्रतिब्रह्मांड अलग हो गए किंतु उनकी सीमाएं अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को स्पर्श रही थी, क्योंकि उनके बीच जगह खाली नहीं थी। एक दूसरे की ओर प्लाज्मा और एंटी प्लाज्मा के प्रभाव के कारण उनका E=mc² के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता था, लेकिन उस ऊर्जा का स्रोत खगोल वैज्ञानिकों को कहीं दिख नहीं रहा था। तो क्या हम ये समझे कि पदार्थ और एंटी मैटर के विरोधी ब्रह्मांडों का ख्याल सिर्फ एक भ्रम है? हमें इस निर्णय पर आने से पहले स्वीडन भौतिक वैज्ञानिक हैनिस आल्फवेन को भूलना नहीं चाहिए। उनके अनुसार प्रति ब्रह्मांड का अस्तित्व है, पर हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ब्रह्मांडों को अलग करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दोनों ब्रह्मांडों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। इस तरह हमारे जैसा प्रति ब्रह्मांड है या नहीं ये कह नहीं सकते, क्योंकि अगर है तो भौतिक विज्ञान के कई सिद्धांत गलत सिद्ध होंगे, जैसे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम गुरुत्वाकर्षण पर आधारित आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इन्हें हम बात करें तो भौतिक विज्ञान में बचा ही क्या। इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ का ही बना है। सन 1908 में रशिया के क्रास्नोयार्कस शहर में जो घटना हुई थी उसे एंटी मैटर का कारण देते हुए खगोल वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर क्योंकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके कि ये काम एंटी मैटर का है, इसीलिए ये घटना सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह गई। ऐसे और रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए द कॉस्मो शो।